देखिए, हमने कई बार पहले भी कहा आपको, कंट्री की हमारी प्रीमियर एजेंसी होती है जुडिशरी के अलावा। जुडिशरी का सम्मान तो अलग, सबसे सम्मान बड़ा है संविधान बचाने के लिए, पर जो प्रीमियर एजेंसी जो है फाइनेंशियल अनियमितताओं की हो या कोई क्राइम किया हो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये जो एजेंसी हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचेगा कि मैस हो जाएगा देश के अंदर, मैस हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है, तो ये आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति, चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीजी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे संघ का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहां अपने फैमिली शिफ्ट कर दिया, वही मकान वगैरह किराया ले लिए, क्योंकि रोज उनको छापेमारी करनी पड़ी, 6 महीने 8 महीने 10 महीने 4-5 लोग जेल में बैठे हुए हैं वहां के आईएएस वगैरह। ये जो आतंक मचा रखा है ये सब संकेत नहीं है। दूतावास के घर पे कल हमने दो हमने घोषणा करी गारंटी की, एक महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना, एक हमने 500 रुपये गैस सिलेंडर का एक्सपेंस किया। ये चाहते हैं कि हम लोग कैसे महिलाओं को, पिछड़ों को, दलितों को, आम आदमी को राहत दें। कल किया और आज दो जगह शपथ पड़ गए और पीसीजी प्रेसिडेंट का शपथ पड़ना मायने रखता है। एक पार्टी का मुखिया जी को नोटिस नहीं दिया आपने, छापे पर क्या पड़ते हैं, आप नोटिस दिया नहीं, कोई केस दर्ज नहीं, कोई शिकायत नहीं, और शिकायत करने वाले कौन है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जिनका काम धंधा यही है, अपने करोड़ी महीना एक टिकट लेने के खातिर पूरा मिला हुआ है, उनको काम ही सौंप रखा था साल भर से उनके बीजेपी ने, जाके ईडी में शिकायतें करो, गणपति प्रोग्राम जाके बैठ गए, 500 करोड़ के अंदर पड़े हुए हैं, आप बताइए। और ईडी पहुंच जाती है, कल मान लो हमारा कोई नेता जाके धरना देगा कि इस कार्य के अंदर 800 करोड़ हैं, ईडी आएगी। ये काम इनकम टैक्स का था, शिकायत इनकम टैक्स करते हुए कि मेरे को इतना मिली है कि गणपति प्लाजा की लॉकर में पैसा ब्लैक मनी है, इनकम टैक्स जांच करती, कुछ भी करती, ईडी का वहां क्या काम है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, आज दूतावास जी का छापा पड़ना मायने रखता है। किसान का बेटा है, लगा हुआ है जब से वो राजनीति में आए, तब से राजनीति कर रहे हैं, असेंबली के अंदर विपक्ष में थे तो भी कमी नहीं रखी आवाज उठाने की समस्याओं को लेकर राजस्थान के, तो किसानों की हो, मजदूरों की हो, आम आदमी को, असेंबली के अंदर या बाहर उस व्यक्ति ने कभी कमी नहीं रखी। हमारी गवर्नेंस का जो है जिस प्रकार रिप्रेजेंट उन्होंने किया है कोई कर नहीं सकता, और इसलिए टारगेट बनाया गया है, जो मैं कहना चाहता हूँ टारगेट इसलिए बनाया गया है। जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम है, हम किसी गौर शब्द में निंदा करते हैं, वैभव गहलोत को कोई 5-10 साल में सुनता रहता हूँ, लोग शिकायत ईडी में करते करते, एक वो महाराष्ट्र के आए थे मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, तब से सुन रहा हूँ मैं, और परसों कल नोटिस मिला, आज वहां जाकर हाजिर हो ईडी के अंदर, कल नोटिस मिला, तारीख लगी 19 तारीख लगी हुई, कल 25 को नोटिस, 26 को आप हाजिर हो जाओ, तो क्या है, ये मजाक नहीं है क्या? ये हमको गवर्नर ने भी, हमारे अंदर साहब ने कहा
कांग्रेस पार्टी उसके नेता कोई घबराने वाले नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है उस सीटीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फैसला चट कर जाता है। ईडी इनकी फैसलों को चट कर जाएगी। ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो और आप इनके इतिहास देखिएगा, आपको आश्चर्य होगा इन्होंने कैसी मजाक बना रखी है और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रही है। दो चार छह चौदह के बीच में जब यूपी गवर्नमेंट थी तो 112 सर्च की गई, क्योंकि जेनुइन सर्च की गई थी, जेनुइन कंप्लेंट थी, इसलिए 112 में 104 के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई। मतलब 112 सर्च और 104 चार्जशीट पेश कर दी गई। 93% ये उसका काम था। अब क्या हो रहा है, 14 के बाद में 3010 जगह छापे डाले, छापेमारी की 3010, कहां तो 112 10 साल में, और कहां 3010 9 साल में। इनमें 888 केसों में चार्जशीट से पेश की गई, मतलब 29%। 93% यूपी गवर्नमेंट में, क्योंकि जेनुइन छापेमारी थी, जेनुइन काम होता था, और 29% सिर्फ। इससे अंदाज लगा लीजिए, और कोई बीजेपी नेता से पाक साफ है, कोई कांग्रेस नेता जाता है बीजेपी में तो उद्धुल जाता हूं आपको मशीन में। और तो प्रधानमंत्री खुद जो बोलते हैं अजीत पवार के बारे में, एनसीपी के बारे में, करप्ट पार्टी है, बड़े आरोप लगाए। दो दिन बाद में वो शामिल हो गए सरकार में महाराष्ट्र में, अजीत पवार साहब बन गए, वित्त मंत्री बन गए। जिनके प्रचार थे उनको बना दिया खाने खजाने का मंत्री बना दिया। इसका आप क्या कहेंगे, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इतने में कहना चाहूंगा कि जो हालात बना रखे हैं इससे कोई घबराने वाले नहीं है। ये इनको गलत फहमी है। अभी तो हम और गारंटी देने जा रहे हैं, कल 5 गारंटी देने जा रहे हैं। उनको तय कर लीजिए 5 नेताओं को चुन ले पहले ही, कि जब गारंटी कर देंगे पर तो कहां का छापे डालने हैं पहले तय कर दें। ये हालात है तो आप पूछ सकते हो कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसी सरकार बनी बैठी है दिल्ली में जो लोगों दिल जीतने के बजाय अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, अपनी नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने सिद्धांतों से आप कामयाब हो, उसकी बजाय आप जो है अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी ही है। ऊपर के दबाव के बगैर ना ईडी आ सकती है, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स आ सकती है। तो आप देख लीजिए जो शेखर वाला केस है, संजीवनी वाला, उसमें कितनी बार ईडी को रिक्वेस्ट करी आने के लिए, वहां ईडी नहीं आई। सेवा पत्र लिखे होंगे, उनको सेवा रिक्वेस्ट की गई कि आप केस ले लीजिए, ईडी का केस ले लीजिए। जेल बैठे हुए वो लोग, और शेखर साहब के ऑस्ट्रेलिया में, इथोपिया में, पता नहीं कहां कहां पर प्रॉपर्टी हैं, क्या लेन देन हुआ है। ईडी को रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, एसओजी रिक्वेस्ट करिए, तभी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। आप देख लीजिए इस प्रकार से हमारे कांग्रेस नेताओं को जिस प्रकार से ये तंग किया गया है वो सबके सामने है। इसलिए आज हमने उचित समझा कि आप सबको बुलाया जाए, एक्सप्लोर किया जाए। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां जाके ईडी
क्या विधायती है चुनाव हम जीतते हैं। आप सोच सकते हो उसका मतलब क्या हुआ। तंग किया गया 22 बार छापे डाले गए कनाडा के अंदर, चुनाव जीते कांग्रेस। हवा चल रही छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की, वहां तो मैंने कहा साल भर से बैठे हुए वाले मकान किराए लेकर बैठे हुए छापे डाल के लगातार तंग कर रहे मुख्यमंत्री को सरकार को, वहां कांग्रेस जीते जा रही है। राजस्थान में आप देखिए स्थिति है कांग्रेस की। मैंने कई बार कहा आपको इस बार सरकार का मन है सरकार रिपीट करने का, ये माहौल बन चुका है राजस्थान के अंदर। इनको तकलीफ हो रही है, डरा रहे धमका रहे लोग। महाराष्ट्र में क्या किया, जिन जिन खिलाफ मुकदमे थे ईडी के, क्या शिवसेना टूट के गई अलग, तो उन्होंने मुकदमे वापस ले लिए गए नेताओं के। जो अजीत पवार के साथ गए थे साथ में द्वंद सरकार को, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। ये हालात कोई क्वेश्चन है ना। भाई वो तो जवाब वो देंगे तब वो जवाब मिलेगा आपको। फिलहाल मैं समझता हूँ कि उनका कोई बिजनेस है नहीं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कोई बिजनेस नहीं है। देखिए वैभव गलत कोई काम है नहीं, कोई कंपनी ने किया होगा वो जवाब देगी उनका। वैभव गहलोत का तो खाली, जहां तक मेरे को नॉलेज है, एक खाली टैक्सी की जो है कंपनी है उसमें रतन शर्मा पहले पार्टनर था 25-30 लाख रुपए का, 25-30 लाख रुपए का ही हिस्सेदारी मेरे ख्याल वैभव गहलोत की थी, और वो अलग पार्टनर अलग हो गए। इतना ही मामला है। अब उस होटल के अंदर जो कंपनी है उसमें शेयर कितने बेचे, किसको बेचे, कितने कितने बेचे, वो कंपनी जवाब दे रही है। टारगेट तो मुझे कर रहे हैं, टारगेट मुझे तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो दर्द इतना भयंकर इनको है, 5 सरकारें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, क्या नहीं किया इन्होंने, हॉस्टेडिंग करके सरकार बना ली वहां पर, यहाँ दाल गली नहीं उनकी। इतने जान भूल के राजस्थान आज उनका सबसे बड़ा टारगेट है राजस्थान के अंदर। हम उनको मुकाबला कर रहे हैं, कामयाब होकर दिखाएंगे, इनको कामयाब होकर दिखाएंगे। जनता हमारे साथ में है, ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको बख्शेगी नहीं। बिल्कुल ठीक करो, मैं कह रहा हूं आपको, जहां जहां ईडी गई है, मैंने एग्जाम्पल दिया कर्नाटक का आपको, 22 बार हमले हुए वहां पर, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले शुरू हो गए, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में हमले हुए वहां पर, और वहां किसके ऊपर हुए सुनिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोतासा यहां पर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां पर है, डीके शिव कुमार को हमले हुए और बीजेपी साफ हो गई, और यहां साफ हो जाएगी बीजेपी। वो खुद ही मजबूत कर रहे हैं, ईडी के छापे डालना ये कोई मामूली बात नहीं है। एजेंसी है, आप छापे डाल रहे हो, नोटिस दे रहे हो, बगल में 1000 के कोई केस नहीं, ना दोतासा पे कोई केस है, ना वैभव गहलोत कोई केस है, ना कोई नोटिस दिया पहले कभी भी आपके खिलाफ शिकायत आई है, जवाब दो। वो तो दे कम से कम, सीधा ईडी में बुला रहे हैं आप। हुड्डा जी मैंने भी सुना है, क्यों टिकट मिल गया कांग्रेस का,
कांग्रेस टिकट नहीं मिला था तो उम्मीद थी कई बीजेपी टिकट ले लेंगे, तब तो वो शांत थे। टिकट मिलते ही छापा डाल देना, तो बढ़िया है भाई। होटल होती है तो होटल भाई मालूम पड़ो, मैं कहीं जाए मैं भी जाके रुकू उनके होटल में, मालूम बड़े होटल है का। और ये जो होटल है फेयरमाउंट, कहो कमरे में करो कहो मुझे कभी कमरे में रखवा है वहां पर। देखिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए। कार्यक्रम लगता है हमारे नेता पर, हमारे संगठन के अध्यक्ष पर गलत छापे जाए, छापेमारी डाल रही है, तंग कर रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में लोग पहुंचे वहां पर। कोई हमने पार्टी से कोई आह्वान नहीं किया है, आह्वान करते हुए पता नहीं कितने लोग पहुंच जाते वहां पर। मैं जाऊंगा बोल क्या कहा जाएंगे? नहीं, ईडी ने अगर छापा डाला है, क्या नोटिस दिया है वैभव गहलोत को, नोटिस दिया वो जवाब देंगे उनका, जाएंगे वो तो वो तय करेंगे। किन के बारे में? जवाब वो कहाँ करते हैं? ये पहले बार जब आए थे ईडी वाले कहाँ बताते हैं हमें क्या मिला नहीं मिला? वो तो खाली पब्लिक परसेप्शन, मीडिया में खबर छपे मुख्यमंत्री के सन वैभव गहलोत के यहाँ ईडी की नोटिस और उनको हाजिर होने के लिए कहा गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दूताचार्य के यहाँ पर रीड हुई है, छपना चाहिए देश में, ये उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। ये चुनाव खत्म होने के बाद में ईडी वाले को नजर नहीं आएंगे। उनको मैं पूछता हूँ आप जमान देने क्यों गए? जमान क्यों ले लिया आपने हाईकोर्ट के अंदर? अब गए हैं शेखावत साहब, वहां गए हैं हाईकोर्ट के अंदर 5-10 दिन पहले, तो चालान पेश होने पर स्टे लगा दिया जाए। जो व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है लोगों भ्रम पैदा करने के लिए, पूछो आपने जमानत क्यों ले ली वहां पर? लोग क्यों लगे जमानत अरेस्ट करने पर? और क्यों आप जा रहे हो कि चालान पेश नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाया कोर्ट, ये अपने ही लगाई हुई वहां पर। बिल्कुल पड़ेगा भैया, सुन लो, गांव गांव में घर घर में लोग ऐसे बहुत समझदार हैं। आज की कार्रवाई जो हुई है, कल की वैभव गहलोत की, आज वाली कार्रवाई, उसका आप देखना घर घर में चर्चा होगी आज राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने गारंटी देने शुरू करी। उनको मालूम है कि 7 गारंटी कांग्रेस देने वाली है, 2 देशों की कल प्रियंका जी के मौजूदगी के अंदर, 5 दिन ही बाकी है, कल वो अनाउंसमेंट होगा गारंटियों का। वो घबरा के किसी कर रहे हैं काम, वो घबरा के कर रहे हैं जो हमारी गारंटी आई नहीं मार्केट के अंदर, तो पहली गारंटी उन्होंने दी है वो लागू कर दी है। हमारी क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है देश के अंदर, तो चर्चा होती है राजस्थान की सरकार की गारंटियां लागू हो गई है। बजट घोषणा मैंने करी थी, अधिकांश देखेंगे आप 90% बड़ी घोषणाएं लागू हो गई है। ये बहुत कम बार होता है कि आपकी घोषणाएं होना अलग बात होती है, लागू होना दूसरी बात होती है। हमारी सरकार की बड़ी घोषणा लागू हो रही है, महंगे राष्ट्रीय एकीकृत वादे जो मैंने किए थे गारंटी के रूप में वो लागू हो रहे हैं। पैसे लेकर बीमा किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में गई है, उनका जवाब नहीं देने प्रधानमंत्री जी देंगे, मोदी जी देंगे, इनकी पार्टी वाले बोलेंगे नहीं, उपयोग के बारे में नहीं बोलेंगे,